दिवाली की रात के जे छोटे छोटे से उपाय आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, आपके हर काम के लिए सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। केवल उपाय ही, इसके लिए आपने किसी मंत्र का जाप भी नहीं करना और ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल ये घरेलू से उपाय हैं। अगर आप भी अपने मन की कोई इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में कोई भी कामना है, जैसी भी कामना लेकर आप इन उपायों को करेंगे, इन छोटे छोटे से उपायों की विधियों को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपको हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो क्या है वह छोटे छोटे से उपाय जिससे आप धन धन्य की वृद्धि कर सकते हैं, आपके घर में सुख शांति आ सकती है, कला कलेश का निवारण हो सकता है, आपके शत्रुओं का विनाश हो सकता है। तो अब मैं आपको साधना और समाधान चैनल के माध्यम से आज मैं आपको दिवाली की काली रात के जो छोटे छोटे से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप भी इन उपायों को करें तो आप अपना जीवन सफल और खुशियों से भरें। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, दीपावली की रात आगे आने वाली है, दीपावली का पावन दिन आने वाला है और दीपावली की रात को हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि होती है और सुख शांति होती है और पूर्ण रूप से ये पावन त्यौहार है, पूरे वर्ष में पूरे जोश के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इस दिन हम जो भी हमारे घर के इष्ट होते हैं, देवी देवता होते हैं, पूर्वज होते हैं या पितर होते हैं, तो उनके नाम की हम सुख सीरने कुछ ना कुछ लूफा भोग प्रसाद अर्पण करते हैं ताकि वह हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें और हमारे घर में सुख शांति रहे और कला क्लेश का पूर्ण रूप से निवारण हो जाए और हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि हो। तो आज मैं आपको दिवाली की रात वाले दिन ये जो उपाय आपने करने हैं, छोटे छोटे से मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। जैसे साधना और समाधान चैनल के ऊपर मैं आपको अक्सर उपाय बताता रहता हूँ, तो उनसे आपके घर में सुख शांति भी आती है और आपके हर कष्ट का निवारण हो जाता है, जो भी साल भर में आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो आज मैं दिवाली की काली रात वाले दिन ये जो छोटे छोटे से उपाय बताने जा रहा हूँ, पहला जो छोटा सा उपाय है वह है धन धन्य की वृद्धि के लिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो। तो उसके लिए आपने देसी गाय का घी लेकर आना है और देसी गाय का घी लेकर आने के बाद आपने एक माटी का एक दिया आपने तैयार करना है। उसमें बाती डालने के बाद उसमें आपने एक चुटकी डाल देनी है हल्दी की और एक चुटकी आपने डाल देनी है चावलों की और उसके बाद आपने यह जो दिया है माटी का, इसमें आपने 1 रुपये का सिक्का रख देना है। आप लोहे का सिक्का भी रख सकते हैं, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसको भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको जो गाय का घी है उससे भर देना है। तो उसके बाद आपने इस दिए में यह सामग्री डालने के बाद जब आप दीपावली की पूजा करेंगे तो पूजा के समय आपने इस दिए को रोशन कर देना है पूजा वाले स्थान के ऊपर। तो उसके बाद उससे अगले दिन आपने यह जो दिया है इसको तो आपने जल प्रवाहित कर देना है,
लेकिन वह जो शिक्का होगा उसमें उसको आपने निकाल देना है और साफ कपड़े से उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है आपने ये जो शिक्का है, और उसके बाद इसको किसी लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने घर में रखेंगे तो पूर्ण रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का बंधन हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और आपका जो भी कोई धन बीमारी वगैरह के ऊपर लगता है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा ही प्रवेश करेगी। तो यह लक्ष्मी बढ़ाने के लिए, माया बढ़ाने के लिए, धन की वृद्धि के लिए यह उपाय है। दीपावली की काली रात वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है या कोई पितृ बाधा है तो उसके लिए जो जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपने करना है कच्ची लस्सी के द्वारा। तो आपने किसी बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है और दूध के बाद इसमें आपने पानी डाल लेना है, थोड़ा सा आपने गंगा जल डाल लेना है, एक चुटकी चावलों की डाल लेनी है और एक चुटकी आपने मिश्री की डाल लेनी है और एक देसी घी का दिया आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए, जो भी आपके घर के पूर्वज पितर हैं उनका ध्यान धरते हुए आपने बेनती करनी है कि हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि रहे और कला क्लेश का निवारण रहे और हमारे घर में सुख शांति रहे। तो उसके बाद आपने यह जो दिया है इसको आपने सूर्यास्त के समय पीपल के नीचे लेकर जाना है, तो उसकी जड़ में आपने इस दिए को रोशन कर देना है और जो वह जल है जिसमें आपने सामग्री डाली है आपने अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए आपने उसमें अर्पण कर देना है पीपल के पेड़ की जड़ में। तो इससे आपके घर में पितृ बाधा भी दूर होगी और आपके घर का जो कला क्लेश है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। और यह जो अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर परिवार में कोई वंदन है किसी देवी देवता का, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आपके घर में मानता है, कोई भी आपके घर की कुल देवी है या कुल देव है या इसके अलावा आप गद्दी का भगताई का काम करते हैं, तो उसके लिए यह जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ तो इससे आपके जो समस्त देवी देवता हैं आपके घर के कुल देव या कुल देवी तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में धन धन्य की वृद्धि रहेगी और सुख शांति रहेगी। तो इसके लिए आपने एक चौमुखा चिराग तैयार करना है, चार बत्तियों वाला एक दिया आपने तैयार करना है और चार बत्तियों वाला दिया आपने सरसों के तेल से भर लेना है। सरसों के तेल से भरने के बाद फिर आपने सात प्रकार की मिठाई लेनी है, सात प्रकार की मिठाई का एक एक पीस आपने लेना है और उसके बाद यह जो सात प्रकार की मिठाई है इसको आपने घर से बाहर लेकर जाना है। इसको आप घर से बाहर कहीं पर भी खुले कलर में, मैदान में, जोगान में और इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको ले जा सकते हैं या किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो उस स्थान के ऊपर जाने के बाद आपने जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका ध्यान धरते हुए कि आप हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें, हमारे घर में सुख शांति हो और धन धन्य की वृद्धि होती रहे, तो वहाँ पर जाकर आपने इस दिए को रोशन कर देना है, ये जो चौमुखा चिराग है और ये जो सात प्रकार की मिठाई है, कोई अखबार या फिर कोई आप पॉलोथीन की प्लेट ले लें उसमें आपने ये सात प्रकार की मिठाई उस चिराग के पास रखकर आ जाना है। तो इससे जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे अगर दीपावली की काली रात को आप इस उपाय को करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई साधक कोई वशीकरण शक्ति की प्राप्ति करना चाहता है, किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या घर का कला क्लेश है कि हमारे घर में कला क्लेश ना रहे, या फिर कारोबार की वृद्धि के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं,
पति पत्नी में अगर अनबन रहती है, अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपसे रुष्ट होने के बाद आपसे दूर चला गया है, या फिर आपका कोई दोस्त मित्र आपसे नाराज है, वह विदेश में रहता है और वह आपसे बात नहीं कर रहा, फोन कॉल नहीं आपको उसकी आ रही, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये वशीकरण करने वाला उपाय है, क्योंकि दीपावली की काली रात को हम कोई भी साधना सिद्धि अगर करेंगे या कोई उपाय टोटका करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। 7 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस लेना है और एक मीठा पान लेना है और 2 आपने लेनी है अगरबत्ती। तो अब आपने जो दिया रोशन करना है, या तो घी का दिया, आप देसी घी का दिया, या फिर आप सरसों के तेल का दिया, या फिर आप मीठे तेल का दिया जिसको तिलों का तेल भी बोलते हैं, या फिर आप चमेली के तेल का दिया ले लें एक। और ये जो सारी सामग्री है, आपने ये सारी सामग्री लेकर जानी है घर से बाहर, तो इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे, आंकड़े के पौधे के नीचे, आक मदार के पौधे के नीचे, अगर कोई माता श्याम पर मुनि का कहीं पर मंदिर वगैरह हो तो वहाँ पर भी आप इस दिए को जाकर रोशन करें। और जो वह सामग्री है पान वगैरह 7 प्रकार की मिठाई, तो उस दिए के पास अपने मन की मनोकामना को लेकर जब चढ़ाएंगे कि माता रानी हमारी ये इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, तो माता श्यामकर मोहिनी की जो शक्ति है, उनका जो लोहा भोग प्रसाद है, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। जो आपसे रुष्ट होने के बाद आपसे दूर हैं तो मित्रता बढ़ेगी, और इसी उपाय के द्वारा आप अपने कारोबार का, अगर कोई बंधन है, कारोबार की कमी है, तब आपका कारोबार भी बढ़ेगा। जैसी कामना लेकर आप ये भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो माता श्यामकर मोहिनी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी इस उपाय के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आदि शक्ति माता काली या बाबा भैरवनाथ जी की आपके घर में हाजिरी रहे और आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश ना करे, तब आप माता काली और बाबा भैरव जी का यह उपाय करें। इसके लिए आप माता काली जी के नाम का थोड़ा सा देसी घी का हलवा तैयार करें और बाबा भैरवनाथ जी के नाम का थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा तैयार करें, और दोनों हलवों के ऊपर 2-2 लड्डू रख लेने हैं आपने बूंदी वाले। और अब आपने 2 दिए रोशन करने हैं सरसों के तेल के, और ये जो हलवा है पूरे घर से वारने के बाद, पूरे घर से इसका उतारा कर लें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतारा करने के बाद इसको घर से वार, खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी नदी के किनारे इसको लेकर जाएं और वहां पर 2 दिए रोशन कर दें, और उन दोनों दियों के सामने माता काली और बाबा भैरवनाथ जी का नाम लेकर किसी शुद्ध जगह के ऊपर ये दोनों जो हलवे हैं सरसों के तेल का और देसी घी का वहां पर आपने अर्पण कर देना है। तो इससे माता काली और बाबा भैरवनाथ आपके घर में पहरा देंगे और आपके घर में सुख शांति आएगी और कोई भी बुरी बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बुरी वादा है और जो वह बुरी वादा है अगर आपके शत्रु ने, किसी तंत्र ने आपका बुरा किया है, जब दीपावली की काली रात वाले दिन ऐसे लोग उपाय करते हैं शत्रुओं के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका दुश्मन, आपका शत्रु है, उनका जो वार है आपके ऊपर ना चले, तब आप इस उपाय को करें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने केवल एक चौमुखा चिराग आपने लेना है, 4 बत्तियों वाला दिया सरसों के तेल का। इसमें आपने एक चुटकी डाल लेनी है नमक की और एक चुटकी आपने डाल लेनी है लाल मिर्च की, और उसके बाद इस दिए को, ठंडे दिए को 4 बाती डालने के बाद पहले इसको रोशन नहीं करना, पूरे घर से वार लें, जितने आपके घर के कमरे हैं, कोई गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से वार कर, और सभी के मस्तक को लगाने के बाद, माथे के ऊपर लगाने के बाद, जितने घर में व्यक्ति हैं, घर से बाहर जो आपका मेन गेट है दाएं या बाएं तरफ दोनों साइड के ऊपर कहीं भी आप इसको जला सकते हैं, माता काली, बाबा भैरवनाथ और मुसानी मेलडी जी का नाम लेकर, तो आपके सभी शत्रुओं का विनाश होगा और कोई भी बुरी बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। माता काली, माता मुसानी और बाबा भैरवनाथ आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा देंगे जब आप
इस उपाय को करेंगे। तो जो ये छोटे छोटे से उपाय हैं आप इनको कर कर देखें तो इनका जो रिजल्ट है आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। तो इसके अलावा जो अब मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय से जैसी भी इच्छा रख कर आप इस उपाय को करेंगे, जो भी आपके मन की मनोकामना है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर आप नौकरी की भाल के लिए आप कोई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं, कैसी भी कोई समस्या है आपके घर में, कला क्लेश रहता है या फिर संतान प्राप्ति के लिए कैसा भी, अगर कैसी भी कोई इच्छा है, जो भी आपके मन की मनोकामना है, तो उसके लिए आप इस उपाय को करें। तो इसके लिए आपने 7 अनाज लेने हैं, तो थोड़े थोड़े से आप 7 अनाज ले लें और इन 7 अनाजों में आपने 1 चम्मच सरसों के तेल का आपने डाल देना है, 1 चम्मच सरसों के तेल का और 1 चम्मच आपने शक्कर का डाल देना है और उसके बाद अपने मन की इच्छा को लेकर आपने दोनों हाथों से इनको ला देना है और पूरे घर में इसका 1 उतारा कर लें, पूरे घर में से इसको वारने के बाद और दीपावली की काली रात को घर से बाहर किसी भी खुले कलर मैदान में आप अपने मन की इच्छा को लेकर चारों दिशाओं में आपने इसको 7 अनाजों को ऐसे आपने फेंक देना है। तो चारों दिशाओं में जैसी भी आपके मन की कोई मनोकामना होगी, इच्छा होगी, तो हर मनोकामना को पूर्ण करेगा यह जो उपाय है। और जब आपने ये उपाय करना है, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, तो उनका ध्यान धरते हुए आपने इस उपाय को करना है। और अब जो आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में दुख दरिद्रता है, अगर आपके घर में बीमारी का आलम बना रहता है या फिर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसके लिए यह जो उपाय है, उस व्यक्ति का जो मुख है उसने अपनी जो छाया है सरसों के तेल में अपनी छाया डाल देनी है। छाया डालने के बाद सरसों के तेल में उसमें 1 चुटकी आपने सिंदूर की डाल देनी है, लाल वाले सिंदूर की, और 1 चुटकी आपने शक्कर की डाल देनी है। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज वारने के बाद आपने ये जो सरसों का तेल है, जहाँ पर कोई नाली बहती हो घर से बाहर, तो उसमें आपने बहा देना है। तो उसी के साथ जो भी कोई दुख दरिद्रता होगी उस व्यक्ति के ऊपर, तो वह भी बह जाएगी अगर आप इस उपाय को करेंगे। तो जो जो छोटे छोटे से देखो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जैसे साधना और समाधान चैनल के ऊपर पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर इन उपायों की विधियों को आप अपनाएंगे तो तुरंत ही आपके घर का निवारण होगा, आपके घर में सुख शांति होगी और धन धन्य की आपके घर में वृद्धि होगी। और इसके अलावा दीपावली की काली रात को जो भी मैंने आपको जंतर मंत्र तंत्र की साधनाएं दी हैं, या फिर आप जंतरों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, सामग्री को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आप उन सिद्धियों की भी प्राप्ति कर सकते हैं चैनल को देखने के बाद। और जो साधक उन जंतरों को हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दीपावली की काली रात को हम भी जंतरों को सिद्ध करते हैं, चाहे वह मोहिनी वशीकरण करने वाला हो या फिर घर की सुरक्षा के लिए हो, तो किसी प्रकार का भी यंत्र आप दीपावली के बाद हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, घर के कीलन के लिए या वशीकरण करने के लिए कीटों की भी आप प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनल या मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तब भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो आप ये स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।